जंगल में पेड़ों के बीच संदिग्ध हालत में पड़ा मिला नाबालिग लड़की का शव। पिता ने मौत पर जताया संदेह। क्षेत्र में फैली सनसनी। शव का कराया गया पोस्टमार्टम। शव परिजनों को सौंपा। पुलिस जांच में जुटी। सदर थाना क्षेत्र के आसेला गांव का मामला। घटना के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर डिप्टी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि आसेला गांव की निवासी रमेश ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी जो कि कल घर से गई थी तो वही वापस नहीं लौटी। उसी के बाद में उसकी आसपास गांव में तलाश भी की गई पर पता नहीं चला। इधर बामनिया फला के जंगलों में कुछ बच्चे बकरी चराने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान बच्चों को जंगल में पेड़ के नीचे रेखा का शव पड़ा दिखा और वह शोर मचाने लगे। इसी के साथ ही आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और मौके पर पहुंचे। मौके से परिजनों को सूचित किया गया। पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल मोर्चरी में लाया गया जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। इसी के साथ ही बेटी के पिता ने मौत पर संदेह जताया है। उसके बाद में परिजनों को शव सौंप दिया गया है। मामला दर्ज किया है और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है।